हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.3। वो तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, हमें सिर्फ इक्वेशंस के जो रिजल्ट हैं उसको मतलब मैच करना है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो हाँ, चेक योर रिजल्ट। तो हमें एक्स ये बताना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा या नहीं होगा, और एक्स की वैल्यू पहले हमें निकालनी है और फिर पुट करके वेरीफाई करना है। तो देखिए, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18 है ना। तो जो एक्स एक्स वाले हैं वो एक साथ ले आइए, इधर ले आइए इसको, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, क्या x हो जाएगा, और इधर क्या रह गया था, इधर रह गया था 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो देखिए क्या किया है हमने, यहाँ पे देखते हैं, हमने ये 2 इधर चला गया, 2x है ना, तो ये 3x माइनस 2x हो गया, और इधर क्या बचा, प्लस का 18, तो 3x माइनस 2x, x बच गया सिर्फ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की हम LHS में, RHS में। ये LHS है और ये वाला है RHS है ना। तो एक्स की वैल्यू हम इन इक्वेशन से पुट कर रहे हैं, तो 3x की जगह 18 रखा, तो 3 × 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 18 + 18, क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो वेरीफाई हो जाएगा इक्वल आएंगे तो 18 × 3 = 54 सही हो गया। 18 × 2 = 36 + 18 = 54, तो LHS RHS वेरीफाई हो गया। सेम तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है 5t − 3 = 3t − 5। टी टी वाले एक साथ ले आइए, तो कि टी वाले जो हैं वो एक साथ आप सारे ले आइए, तो 3t को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, और जो ये कांस्टेंट होते हैं इसको इधर, तो -3 को इधर। जब इक्वल टू से दूसरी तरफ हम जाते हैं तो हमने पढ़ा है कि साइन चेंज होते हैं, तो 3t क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा 3t, ये वाला यहाँ पे 3t जो था ये माइनस में हो जाएगा, -3t हो जाएगा, और ये -3 जो था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये +t हो गया। तो 5t − 3t हो जाएगा 2t, और -5 + 3 हो जाएगा -2। -2 क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन बड़े वाले का, तो 5 का साइन आ गया। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी, अभी जो t था t के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो -2/2 हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा। फिर वही हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, टी की वैल्यू जो है इक्वेशन में रखी, तो 5 t की जगह -1 और फिर -3, तो 5 − 1 − 3, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरीफाई होकर आ जाएगा। ऐसे RHS में टी की वैल्यू रखिए, तो 3 × −1 − 5, 3 × −1 − 3 हो जाएगा -5, फिर 8 − 8 आ जाएगा, तो LHS RHS के इक्वल। अब थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 5x इधर है, ये 3x है, ये 9 है, ये 5 है, 3x को इधर ले जाइए, तो 5x − 3x हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x आ गया। अब दूसरी तरफ था 9 − 5 है ना, तो ये प्लस का 4 है, माइनस का नहीं है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माइनस का होगा, क्योंकि 5x − 3x है ना, और 5 + 9 इधर जाके माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 5 − 9 − 4, 5x − 3x 2x, और 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड, तो 2 × 4, तो -2 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2, अब x की वैल्यू इधर, ये LHS होता है इधर वाला, ये RHS होता है, तो LHS RHS में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 × −2 आ जाएगा +9, 5 + 3 × −2, तो हम लोगों ने जब वैल्यू पुट करी तो दोनों का आंसर क्या हो गया, -1 आ गया, तो हमारी जो है पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें 4z + 3 = 6 + 2z, तो z वाले एक साथ इधर ले जाइए, 4z − 2z = 6 − 3, 4z − 2z करा तो 2z बचा, 6 − 3 करा 3 बचा, तो अब हमारे पास क्या बचा था, 2z = 3, z की वैल्यू निकालनी है, तो z = 2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके डिवाइड, 3/2, तो z की वैल्यू आ गई 3/2, फिर 3/2 को इसमें पुट कर दिया, तो देखिए z × 3/2 + 3 है ना, तो ये LHS कर रहे हैं हम, तो 2 से 2 कटा, तो 2 × 2 = 4, और तो 3 × 2 बचा 6, और +3 क्या आ गया, 6 + 3 हो गया हमारा 9, तो
तो 9 आ गया हमारा, तो इधर वाला भी जो है, अगर हम इधर वाला भी कर लेते हैं, 6 प्लस 2z, z की वैल्यू क्या है, 3/2 है, 2 से 2 कट गया, तो 6 प्लस 3 बचा, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9, तो LHS RHS वेरीफाई हो गए। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। इसमें भी देखिए 2x-1 इज इक्वल्स टू 14-x है, तो x वाले एक साथ आ गए, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस, -1 इधर जाके प्लस, तो 14 + 1 15, 2x + x 3x, फिर 3 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिविजन में 15/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको LHS RHS में पुट करेंगे, अब देखिए LHS में पुट करते हूँ, तो 2 × x की जगह 5 - 1, 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9, उसमें एक्स की वैल्यू क्या आई है, 5, 14 - 5 9, तो दोनों में 9 आ गया, LHS RHS वेरीफाइड। सिमिलरली ये वाला 8x, और अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाला तो सिंपल है, अब इधर कैसे सॉल्व होगा, ये 3 ये है ना ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x-3 + 7 हो जाएगा, तो 3x-3 + 7, तो -3 + 7 हो जाएगा क्या, 3x + 5, सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 7-3 4 होता है, साइन बड़े का, तो क्या हो जाएगा, 3x + 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इधर हमारा 8x + 4 है, इधर हो गया हमारा 3x + 4, इधर शिफ्ट कर देंगे, 8-3 क्या हो जाएगा, 5x, और इधर 4-4 तो 0 हो गया, तो 0/ कुछ भी होगा ना, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए हमारा 0/ में कोई भी आप नंबर कर लीजिए उसका आंसर 0 आना है, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसका भी आंसर 0 आना है, तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिमिलर करेंगे, देखिए एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 फिर ब्रैकेट में x+10, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ ले जाते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 5x = 4, फिर इसको अंदर खोल देते हैं, अब देखिए यहाँ से साफ साफ करके बताती हूँ, ये अपॉन में है ना 5 सबके साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 5x बन गया, अब 4 बाहर था और ये ब्रैकेट था अंदर, तो ब्रैकेट खुलता है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से, 4x और 4 × 10 40, तो 4x जो है ये इधर चला जाएगा, तो 5x-4 हो जाएगा, तो x बचेगा इधर 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई। इसको हम लोग पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 40, तो ये तो यहाँ पे LHS 40 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 4/5 40 + 10 क्या हो जाएगा, 50, 50/5 हो जाएगा क्या, 10, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये भी ऐसे कर लेंगे, बस एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, अब हमारी बस फाइनल लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो देखिए 2x/3 है, तो और इधर क्या है, 7x-7x/15, तो इधर आके शिफ्ट करेंगे एक्स वालों को एक साथ, तो ये माइनस में हो जाएगा 7x/15, इधर वाला क्या है +1 है ना, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो 3-1 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर तो 2 बचेगा। अब इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 3, यहाँ 15 है, तो 3 और 15 का एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 15 हम लोगों का आ जाएगा, तो ये देखिए 2x/3 - 7x/15 का एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये तो 15 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो 7 तो 7x रहेगा, 2 की टेबल में सॉरी 3 की टेबल में हमारा 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम, तो ऊपर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10, तो यहाँ पे इस इधर देख लेते हैं, 10x-7x हो गया अपॉन 15, तो 10x-7 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 3x/15, तो 3 5 15, तो x/5, और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ हमारा 2 बचा था, यहाँ पे x/5 हो गया और यहाँ पे था 2, तो x डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10, x हमारा 10 आ गया, वेरीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10/3 + 1, तो देखिए 20 हो जाएगा ये अपॉन 3 + 1, फिर से एलसीएम, तो 3 अपॉन में आ जाएगा, और 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21/3 वैल्यू आ गई LHS की, और RHS की वैल्यू भी देखिए यही आ जाएगी, RHS को भी हम लोग जब 7 × 10/15 + 3 करेंगे तो
इसको कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, प्लस 3 और प्लस 3, एलसीएम लेंगे अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 9, 9 प्लस 14 21 अपॉन 3 आ गया। तो हमारा जो है पूरा का पूरा सॉल्व हमारा हो गया। तो दोनों के दोनों एलएचएस आरएचएस जो है वेरीफाई हो गए, और एक्सरसाइज भी हमारी जो है पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। तो थैंक यू।